मंत्री से सीधे टकराव के बाद सुर्खियों में आई पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने जब से रेवाड़ी में पदभार संभाला है उन्होंने पुलिस कर्मियों को ईमानदार करने के लिए लाख प्रयास किए, लेकिन रेवाड़ी पुलिस के ज्यादातर पुलिस कर्मी है कि कोई भी सबक लेने को तैयार ही नहीं है। एक के बाद एक विजिलेंस टीम द्वारा धरे जा रहे पुलिस कर्मियों को देख कर ऐसा लगता है कि थाने में अभी भी लेन देन का सिलसिला थमा ना हो। आज फिर दहीना चौकी में तैनात एक हवलदार को सीएम उड़नदस्ते ने 2,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इन तस्वीरों में आप मुंह पर कपड़ा बांधे जिस हवलदार को देख रहे हैं वह दहीना पुलिस चौकी में तैनात था और वह शिकायतकर्ता से एफआईआर दर्ज करने के नाम पर 5,000 रुपए की मांग कर रहा था। यह ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ ही दिन पूर्व ही बावल थाने में तैनात एक एएसआई को उड़नदस्ते ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद यह तो क्या है कि जिले के थानों में लेन देन का खेल अभी रुक नहीं पाया है। मानेसर लैंड डील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंडियन नेशनल लोकदल ने स्वागत किया है। इनालो सांसद दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगले 2 महीने में मानेसर लैंड डील को लेकर बड़े तथ्य जनता के सामने आएंगे। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की जमीन एक्वायर कर अपने चहेतों के लिए रिलीज की थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार भूपेंद्र हुड्डा को बचाने में लगी है, लेकिन मजबूरी में कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण कार्यवाही करनी पड़ रही है। बता दें कि दुष्यंत ने बहादुरगढ़ में रक्तदान के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सब्सिडी रिलीज करने के नाम पर पशुपालन विभाग के क्लर्क को फरीदाबाद बिजनेस ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। क्लर्क पर आरोप है कि उसने गांव छायंसा के एक किसान को 30,000 सब्सिडी देने की एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत ली। फरीदाबाद में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पर ठेकेदार पैच वर्क के नाम पर घटिया सामग्री लगाकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों को सही काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निगरानी कमेटी बनाकर दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी कही है। यही नहीं, गाँव को जाने वाली सड़कों के किनारे अवैध कब्जा करने वाले लोगों को भी प्रशासन ने चेताया है और जल्द ही अवैध कब्जों को हटाने की बात कही है। वहीं लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों पर पैच वर्क किया है जो कि घटिया सामग्री के साथ किया है। यही नहीं, कई जगह गड्ढों को ठीक नहीं किया और खाना पूर्ति कर सरकार को गुमराह किया गया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के 97वें जन्मदिवस पर इनेलो युवा इनेलो व इनसो को द्वारा अनेक सामाजिक कार्य आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भिवानी में स्थानीय देवीलाल सदन के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में 88 यूनिट रक्तदान देकर कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जन्मदिवस मनाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने रेवाड़ी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जहां उन्होंने अन्य पार्टियों पर भाई भतीजे वाली पार्टी होने की बात कही, वहीं आम आदमी पार्टी को आम लोगों की पार्टी बताया। जयहिंद ने कहा कि दिल्ली में आज हमारी पार्टी द्वारा स्कूल से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरियों तक की व्यवस्था में जो सुधार आया है वो जनता के सामने है और यही सुधार हम हरियाणा में भी पार्टी की जीत की बात लाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चल रही परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिका लेकर छात्र के भागने का मामला प्रकाश में आया है। दिव्यांग सुपरवाइजर ने नूह पुलिस को मामले की शिकायत दी है। नूह पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। नूह जिले के पेंगवा कस्बे में असल मंदिर की मार्केट में राशिद मोबाइल शॉप में बीती रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से करीब 3,00,000 रुपए का सामान राख हो गया है। दमकल की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आग शटर के अंदर अपना तांडव मचा चुकी है। राशिद के मुताबिक करीब 3,50,000 रुपए का नुकसान आग की वजह से हुआ। पलवल के गांव बधोला में कैंसर की बीमारी से लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने कैंसर की बीमारी से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में वायु व जल का प्रदूषण
लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में कैंसर की बीमारी लगातार फैल रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम करने की अपील करते हुए कहा कि यदि प्रशासन समय रहते कोई सकारात्मक पहल नहीं करता तो अधिकतर ग्रामीणों को गांव से पलायन करना पड़ेगा। पलवल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव भगोला में कैंसर ने लोगों के अंदर इस कदर भय व्याप्त कर दिया है कि लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तस्वीरों में हाथों में जली हुई मोमबत्तियां लेकर चल रहे ये बच्चे और युवक गांव भगोला के निवासी हैं, जो कैंसर की वजह से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। रेवाड़ी में देर रात बिजली निगम के सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन कई ट्रांसफॉर्मर जलकर राख हो गए, जिन्हें कर्मचारी ठीक करने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शाम तक इनकी रिपेयर कर शहर की बिजली को सुचारू कर दिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो आग से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें कि बीती रात 220 सब केवी सब स्टेशन में आग लग गई थी, जिससे पूरे शहर भर में बिजली गुल हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विधानसभा सत्र में राज्य के परिवहन मंत्री द्वारा मोटरायन हरियाणा संशोधन विधेयक 2018 पारित होने से रोडवेज कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। रोडवेज कर्मियों का कहना है कि इस विधेयक के पास होने से परिवहन विभाग तालाबंदी की कगार पर पहुंच जाएगा। रोडवेज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि विधेयक का सदन सर्वसम्मति से पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे साबित हो गया है कि विपक्ष भी रोडवेज को बर्बाद करने में सत्ता पक्ष का सहयोग कर रहा है। आगामी 25 मार्च को हिसार में होने वाली आपकी रैली से हरियाणा में आपका चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। रैली को सफल बनाने के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन प्रदेश भर में सभी जिलों में दौरा कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर लोगों को रैली की दावत दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिसार रैली में मुख्य अतिथि होंगे। बुधवार को नवीन जैन नूह कैनाल रेस्ट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस भाजपा इनेलो और सीबीआई की संज्ञा दी और हरियाणा से उखाड़ फेंकने का दम भरा। जैन ने पंजाब के नतीजों पर कहा कि दूसरी बार में ही हमारी पार्टी विपक्ष में पहुंच गई है, हरियाणा में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पानीपत में इला होम फैशन एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन यूनिट में आग लगने से तैयार माल और मशीनें जलने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। सवेरे 3 बजे लगी आग अब भी भड़क रही है। जिले की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को पूरी तरह से बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। बता दें कि पानीपत एलएनटी टोल से पहले करनाल साइड स्थित इला होम फैशन की प्रोडक्शन यूनिट में कल सुबह स्टोर दफ्तर से लगी आग पर 9 घंटे के बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। लगभग 2 घंटे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फैक्ट्री की प्रोडक्शन यूनिट में लगी आग को काबू करने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन आग की लपटें रह रहकर कहीं से भी उतर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए पानीपत के टोल प्लाजा पर, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि हर 3 महीने में राज्यों को दौरे पर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्य की सरकार व संगठन की रिपोर्ट देते हैं। कई सालों से बड़ी रकम होने के कारण जो सरकारी विभाग बिजली विभाग का करीब 24 करोड़ बकाया बिल नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराने के बाद करोड़ों के सरचार्ज को माफ कराया जा सकता है। इसके लिए विभाग ने आगामी 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की है। बिजली विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी भी दी है। योजना का लाभ उठाने में महज 16 दिन का समय शेष बचा है।